शुक्रवार को केरा गांव में बाबू ईट भट्टा में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम करीब 6:30 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा भट्टा में काम कर रहे बोयो नामक मजदूर को गोली मार दिया गया, जिससे घटना स्थल पर ही मजदूर की मौत हो गई। सूत्रों की माने तो घटना लेवी को लेकर हो सकता है। वहीं भाकपा माओवादी के द्वारा घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार दो व्यक्ति काले रंग की वर्दी में हथियारों के साथ लैस होकर ईट भट्टा पहुंचे थे और बात नहीं मानने की बात कहकर गोली चला दी, जिससे घटना स्थल पर मौजूद भालूपानी निवासी बोयो लुगुन उम्र करीब 35 की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर चक्रधरपुर थाना प्रभारी के द्वारा एम्बुलेंस को भेजकर मजदूर को अनुमंडल लाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया। गोली चलाने की सूचना पर SDPO सुधीर कुमार अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर घटना से संबंधित थाना प्रभारी प्रवीण कुमार व अन्य लोगों ने जानकारी ली। कितना बजे का घटना है? तो काम नहीं बंद कर रहा है, फिर क्या बोला? गोली चलाएगा बोल रहे, चला दिया। पैसा वैसा मांगा था क्या? पैसा वैसा नहीं बोल रहे है। क्या बोला? काम बंद नहीं किया है क्यों? और कल ही नंबर मांगा, नंबर जिसको मारा वो कौन था? भाटा का मजदूर था कि मुंशी था? मजदूर वो ये वर्दी पहन के आया था जो लोग मारने आया। वर्दी पहना था? हाँ, ऐसे शर्ट सामान एवरी वेलकम यू've नेवर नोन वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।